संवेदना एक प्रयास संस्था द्वारा भीषण गर्मी में शहरवासियों के लिए 40 से अधिक प्याऊ की सेवाएं दी जा रही हैं। इसी श्रृंखला में आज जीवनी मंडी चौराहे पर राहगीरों को भीषण गर्मी में शीतल जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाटर कूलर का शुभारंभ किया गया। प्याऊ का शुभारंभ संवेदना संस्था के संस्थापक नितेश अग्रवाल ने सदस्यों संग श्रीफल फोड़कर किया। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा लगभग 20 प्याऊ 12 मासी संचालित हो रही हैं। सब कुल मिलाकर 40 से अधिक प्याऊ संचालित की जा रही हैं, जिनकी संख्या 50 तक पहुंचाने का संकल्प है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि यदि किसी भी क्षेत्र में प्याऊ की आवश्यकता है और क्षेत्रीय लोग देखरेख के लिए तैयार हैं तो वहां के लोग संवेदना संस्था से संपर्क कर सकते हैं। संवेदना प्याज हम लोगों के द्वारा यहाँ करीब 40 प्याऊ संचालित पूरे आगरा भर में हो रही हैं। इसमें ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। कुछ प्याऊ उसमें 12 मास हुई हैं, करीब 20-22 प्याऊ जो है जो 12 मास चल रही है। और अपने मेंबरों के माध्यम से उसमें गंगा जल, आर ओ के पानी और बर्फ इत्यादि की व्यवस्था करते हुए जनमानस की सेवा की जा रही है। और इसको हम आगे और भी संख्या बढ़ाएंगे और प्रयास ये रहेगा कि हम करीब करीब 50 से 60 प्याऊ तक इसको देखें। एमजी रोड पर ऑलरेडी हमारी 2-3 प्याऊ चल रही हैं और अगर कोई स्थान मिल जाएगा और कोई इस प्रकार का व्यक्ति मिल जाए जो कि उसकी देखभाल कर ले, केयर टेकर टाइप, तो हम उसको तुरंत उसको वहाँ पर प्याऊ लगाने के लिए। सभी लोगों के लिए हुआ है, लोग आरओ का पानी पीते हैं, वो भी शुद्ध नहीं है, उसके पीने से भी हेल्थ को नुकसान होता है। गंगा जल के पीने से हर प्रकार की प्रोटीन्स, हर प्रकार की विटामिन, हर प्रकार के खनिज हमें मिलते हैं और ये सुचारू रूप से यहाँ उपलब्ध हो रहा है। कॉलोनी के मार्केट के सभी लोगों को यह गंगा जल की उपलब्धि होगी, इसके लिए हम सब समाज को संवेदना के आभारी। संवेदना संस्था द्वारा जगह जगह आगरा महानगर में कई जगह प्याऊ की व्यवस्था की जा रही है जो हमारे जनमानस के लिए सेवा के लिए बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। और आज इसी दृष्टि से जीवनी चौराहे पर भी न्यू मार्केट के आगे एक प्याऊ लगाई जा रही है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी के मौसम में जल अमृत से कम नहीं है, जिसका दान कर न सिर्फ पुण्य कर्म कमाए जा सकते हैं बल्कि लोगों को गर्मी में डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक जैसी बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। इस मौके पर मुख्य रूप से शंभू भाई, नीरज गुप्ता, संजय अग्रवाल, मनोज गुप्ता, कृष्णा मिश्रा, मोहनलाल आदि लोग मौजूद रहे।